can't tell me what you do. गुड मॉर्निंग चाय माता दी, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत दीप की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हो आप सब लोग? और जैसे कि आज है बड़ी दिवाली, सो आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। आप जितने भी मेरे यूट्यूबर हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, जो नहीं देख रहे उनको भी हैप्पी दिवाली, जो देख रहे हो उनको तो दिल से हैप्पी दिवाली, और जो नहीं देखते, जो लाइक भी नहीं करते, उनको भी दिल से हैप्पी दिवाली। आप सभी को हैप्पी दिवाली। और जैसे कि छोटी दिवाली चली गई, धनतेरस चला गया, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मैं पार्लर का काम भी करती हूँ, तो मेरा सीज़न था, सो इसके लिए मैं कोई पार्लर लाइन मेरे थे, तो इसके लिए मैं कोई वीडियो भी बना नहीं पाई। पर मैं धनतेरस को क्या क्या लेके आई वो सब आपके संग शेयर करूँगी। ये आज क्या तारीख है? आज बड़ी दिवाली है, तो ये ब्लॉग तो कल ही आएगा, कल मॉर्निंग में दिखेगा आपको, मतलब 25 तारीख को। आज 24 तारीख है, तो ये ब्लॉग आपको 25 तारीख को मिलेगा। तो इसके लिए मैं 25 तारीख को जो ब्लॉग बनाऊंगी वो 26 को दिखेगा। उसमें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने धनतेरस पे क्या क्या लिया, किट के लिए क्या ड्रेस लिया, वो तो आप इसी ब्लॉग पे भी देख लेंगे जब वो रात को पहनेगी। और बस बहुत इंजॉय कीजिए, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए बहुत इंजॉय कीजिए। महालक्ष्मी और गणपति बाबा आप सब लोग के साथ रहे, सबकी विघ्न हर लें और सबको हैप्पी रखें, और सब लोग बहुत अच्छे से हैप्पी दिवाली सेलिब्रेशन करें। और मैंने जैसे कि बताया था कि पता नहीं कि मेरी आईज़ में पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी आईज़ में ना बहुत स्वेलिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, किस चीज़ से पता नहीं चल रहा है, खाली आँखों के अंदर नहीं, खाली ऊपर हो रहा है। अब तो पता नहीं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो समझ नहीं आ रहा। तो गाइस ऐसा करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे, जैसे कि आज बड़ी दिवाली हो गई और मैंने कोई घर की साफ़ सफाई तो मैंने कर ली थी, बट मैंने कोई कर्टन्स वगैरह कुछ चेंज नहीं करे, देख सकते हो आप। सो मैं सोच रही हूँ कि आज अभी सुबह का बज रहा है, 9:05 है, मैं 8 की उठी हुई हूँ। सो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि फटाफट घर में लाइटिंग भी लगा लेती हूँ और सारा घर का हुलिया चेंज करते हैं। सो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। और हाँ, एक बात और, आज हमारे संग ब्लॉग में बने रही है, हम लोग कैसे दिवाली बना रहे हैं, कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और पूरी वीडियो देखने को मिलेगी मेरे चैनल इसी वीडियो में। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब ना करें, और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। हैप्पी दिवाली। और अभी मैं फटाफट से पहले कर्टन्स वगैरह चेंज कर लेती हूँ, सोफे की कवर चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हे गाइस, सो फाइनली हो चुका है हमारा काम वर्म डन, और मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर की डेकोरेशन कैसे करी। सी, और मैंने वहां पे सामने भी लाइटिंग लगाई है, और ये है कुछ हॉल का लुक। सी, और ये हैं पर्दे, न्यू लगाए हैं इस दिवाली स्पेशल। तो ये है मेरे घर का कुछ फाइनल लुक, घर हो गया है डन, पर मैं डन नहीं हुई हूँ अभी, और मंदिर भी मैंने साफ कर लिया है, मंदिर मैंने साफ बना लिया है। बस अब मेरा बच्चा रेडी होने के लिए, और इसकी मम्मा के, तो किचन में रखो, मम्मी आ रही है। ये रूम भी एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है, और ये सी, तो इसमें मैंने अभी लाइटिंग नहीं लगाई है, हॉल में बाल्ब क्यों नहीं, मैं लाइटिंग लगानी है, बाकी सब एकदम परफेक्ट हो गया है। और ये मेरी किटन। सो गाइस, घर का काम तो हो चुका है डन, और अब मैं सोचू कि घर का काम हो गया डन, तो अब थोड़ी सी करते हैं पेट पूजा। सो अब सोच रहे हैं कि क्या बनाएं। सो मैंने सोचा है शॉर्टकट वाला खाना बनाते हैं, मैगी मसाला बनाते हैं, अपना मैगी मसाला।
सो मैं फटाफट से ऐसे करती हूँ, बहुत जोर से भूख लग रही है तो मैं फटाफट से मैगी मसाला बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पनीर। हे गाइस, सो फाइनली हमने बना लिया है अपने लिए मज़ेदार सी मैगी। सो ये बनाई है मैंने अपने लिए स्पाइसी सी मैगी, और ये बाबू के लिए मैगी मसाले वाली नॉर्मल विदाउट स्पाइसी। बाबू नूडल्स खा रहा है। चलो गाइस ऐसा करते हैं, फटाफट से पहले पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लग, मज़ेदार से भूख लग रही है, मज़ेदार सा खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आप बता बनाने की वीडियो बनाने दिखाओ गाइस को, दिखाओ गाइस। मम्मी वीडियो बना रहे हैं। रंगोली रंगोली दिखा तो गाइस को, तो दिखा दो कैसी लग रही रंगोली। कैसी लग रही रंगोली? बहुत सारे नंगरिया का आदमी इसलिए बहुत ये नंगल नंगर रंग गए। अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छे लोकेशन पर बना दो ना बोले आई अच्छी। सो गाइस जितनी मुझसे बनी रंगोली मैंने बना दिया अंकल, बाय गुरु। सो जितनी मुझसे रंगोली बनी गई मैंने उतनी बनाई आपको दिख शी? मैंने लक्ष्मी जी के पैर भी बनाए पहली बार। सो मुझे बताना, आई नो वेरी वेल कि ये इतनी अच्छी नहीं बनी, पर ठीक है, अपने हाथों से बनाइए, दिमाग से बनाइए और दिल से बनाइए और प्यार से बनाइए तो इतनी भी बहुत है ना। तो गाइस इतनी रंगोली बनी गई थी मैंने बनाई है, और अभी मैं अपना रंगो घर साफ कर लिया, अभी मैं अपना बच्चा भी साफ कर लूँ क्योंकि मेरा बच्चा बहुत गंदा हो गया। देखो नवाजे भी कितनी गंजी हो गई मेरा बच्चा। तो गाइस ऐसा करते हैं फटाफट, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मैंने कैसी बनाई। आए अच्छी बोलना, पूरी मत बोलना। गाइस मुझे थोड़ी सी कमी बाकी बच रही है तो मैंने आपको भी पूरी करती दिखा। मैंने यहाँ पे लिख दिया शुभ लाभ। आई होप कि अच्छी लग रही हो, सीरियसली मेहनत तो करी है। और अब मैं अपने बच्चे, बाबू कैसी लग रही है? बाबू बताएगी कैसी लग रही है। बाबू कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है बहुत। नहीं बाबू जी गंदी बात, अच्छी करोगे आप। अब अभी गाइस को बोलो, गाइस मैं रेडी होके आता हूँ छुंदर बाबू बन के। छुंदर लिपस्टिक भी लगाएगी मम्मा तो, मेरी चंद्री को। और मैंने यहाँ पे भी ये वाली, यहाँ पे मैंने नकली वाली रंगोली लगाई है क्योंकि ये बीच है ना, और ये मैंने अपने घर के पूरे घर के इसमें पूरे साइड में ये वाली रंगोली बनाई है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, पहले बाबू को दिला देते हैं। सो गाइस रंगोली है कुछ इस प्रकार से, सी ये बनाई है हनी के हाथों ने, की है कमाल। और ये एक रंगोली, और ये है घर का कुछ व्यू, सी इधर से नहीं इधर से, ये है मेरे घर का कुछ व्यू। और ये अंदर का व्यू, अंदर भी मैंने लाइटिंग लगाई है। सी किटो वॉशरूम में जाओ ना ना करने, मम्मी आ रही है। अच्छा लग रहा है ना, ब्यूटीफुल। मेरा पर्दा, और ये रहा मेरा मंदिर। आज मैं मंदिर में दिया नहीं जला पाऊंगी क्योंकि इत्तेफाक से घर में किसी की डेथ हो चुकी है। सो गाइस आज मेरे एक बुरी खबर मिली है कि घर में किसी की, मतलब मेरे ससुर जी की कोई कज़न ब्रदर उनकी डेथ हो गई है। सो इसके लिए मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है दिल से, पर अब मैं क्या ही मैं कर सकती हूँ। सो इसके लिए पूजा नहीं बनाएंगे, पर कोई बात नहीं, किट्टू के संग थोड़ा खुश होएंगे, बम जलाएंगे और घर की डेकोरेशन तो कर ही रखिए, कोई गल नहीं है ना। अब किसी की डेथ हो रखे तो वो भी अच्छा नहीं है ना कि हम दिया जलाएं, और जो हमारे ससुराल में है तो इसके लिए। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, पहले मैं किट्टू को हिला के दूँ क्योंकि ये नंगू आ गई है मेरे पास। गाइस आपके सामने आ चुकी है मेरी राजकुमारी रेडी होके, ये। सो ये है किट्टू का कुछ फाइनल लुक, देखो ये मेरी छम्मी है, छोटी जी छम्मी राधी होगी, छम्मी दराओ। ऐ मेरी राजकुमारी, मेरी राजकुमारी, मेरी डॉल। मामा तुम माँ मम्मा के तो तुम जिंदगी वाले होगी ना। तो चलो गाइस ऐसा करते हैं, अभी मैं भी रेडी हो जाती, थोड़ा सा कपड़े पहनते हैं, ज्यादा कुछ तो करना नहीं क्योंकि आइस में भी इन्फेक्शन है,
कभी कुछ नहीं कर सकती, ना काजल डाल सकती हूँ, बस लिपस्टिक लगाते हैं और ड्रेस रेडी पहनते हैं। गाइस, सो फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी। ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि आँखों में इन्फेक्शन हो रखा है जैसे आप सबको पता है। और ये है मेरी सॉन्ग परी। तो ये है मामा की भूत और ये है मेरा कुछ पार्लर लुक। इसकी वीडियो में मैं अलग से डालूंगी तो आपको दिख जाएगा पूरा, है ना। तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने खाना पीना भी अपना बना लिया है और बाबू मस्ती सी, बाबू की तो मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं होती है। अब मैं इसे घुमाने भी नहीं जाऊँगी ना बम फुड़वाऊँगी। ये है मेरा आज का लुक, दिवाली लुक सी। आई होप कि अच्छा लगे, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप लोग को वीडियो कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है, सच्ची का ही बताना। ओके, ये रही मैं, ब्राउन मुंडे। आई होप कि अच्छा लग रहा हो, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप देखते मेरे हस्बैंड कैसा लगता है। गाइस, हमने सोचा है कि नीचे जाने से पहले, किट्टू के बम फोड़वाने से पहले पहले करवा लेते हैं किट्टू की पेट पूजा, उसके बाद करेंगे काम दूजा। सो आज किट्टू के लिए बनाई है इडली और सांभर, दिखाते हैं आपको। सी, बाबू की इडली और सांभर, बाबू का डिनर, और हमारा बना है चावल और पनीर मटर की सब्जी, मैंने बना लिया है। और मैं बैठ चुकी हूँ किट्टू के लिए खाना लेके, और फटाफट से किट्टू को बुलाते हैं, उसे खिलाते हैं, उसके बाद उसको नीचे ले जाते हैं बम फोड़ने के लिए। गाइस, मैंने किट्टू की ड्रेस चेंज कर दी है, इसको इतना प्यारा सा बूट पहना दिया है और खाना खिला रही है, तब अभी रो रही है। ऐसा कोई बच्चा करता है अभी खाने के नाम पर? देखो जरा, देखो अपनी माँ से। गाइस, हम लोग आ चुके हैं नीचे और नीचे का व्यू कुछ दिखाती हूँ आपको। पूरा कितना जगमग जगमग लग रहा है। देखो, और ये नहीं मेरी किट्टू, किट्टू फोर चल रहा। और अभी हम लोग एक ड्राइव पे भी जाने वाले, सो इसके पापा आते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे ड्राइव पे, लॉन्ग में शॉर्ट ड्राइव पे, तो वो भी दिखाएंगे आपको। ये हैप्पी दिवाली बब्बी, बब्बी आराम से घुमा, मजा आ रहा है। उधर जाओ, दूर जाके कर, दूर जाके देख, मम्मी को देख, मम्मी को इधर, मम्मी को देखा कि तू, मेरे को तो देख। ये कितना ब्यूटीफुल लगता है, मेरा फेवरेट बम है अनार। किट्टू क्या हुआ, किट्टा इधर आओ बेटी। किट्टू इधर आओ, लाइट कम हो गई, अंधेरा अंधेरा आ रहा है सब। आ चुके हैं डिनर करने, हो चुका है डिनर टाइम, और हम लोग करने आए बाहर डिनर। सर, ये देखिए किट्टू, ये है किट्टू के पापा। वाह, होटल अफसनेरी सी लुक। भीड़ इतनी गर्दी तो नहीं जाना, क्या हुआ बाकी? नहीं, चलो। तो कुछ होटल का लुक है इसका, ब्यूटीफुल। चलो बाबा, कितना मस्त लग रहा है ना जाना। ये कितना नहाएगी, नहाएगी नहा ले, चले। मैं 20 दिन पहले देखा था, पता कर गया, अभी और पतला लग रहा है। बेटा गाना बेटा, सब किट्टू झूल रही है झूला, और उसके पापा झूला रहा है इसको झूला। आते देख मामा का पास, ये मजा आ रहा है किट्टू। अरे इधर पानी है, पानी है। हाँ बेटा, हाँ वो ही तो, इसलिए तो बोल रही हूँ जान। पकड़ पकड़ के रख, पकड़ के रख जल्दी। ओह माय गॉड।
और झूम के दोनों बाबेटी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, चलती रहो जाबी बा। ये पापा और बेटी की मस्ती मस्ती टाइम चल रहा है। हे गाइस, हो चुका है हमारा डिनर विद आइडर और अब हम लोग जा रहे हैं घर। सब मिलते हैं घर जाने के बाद।